युवाओं की बहुत सी भर्ती है, उनकी बाट देखने लग रहे हैं लेकिन भर्ती नहीं होने लग रही है। यदि आप सैनिक भर्ती नहीं करोगे तो बताओ कौन सा फार्मूला है कि आप देश बचाओगे। इतने युवा इकट्ठे हो रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। फिलहाल पूरा तो सामने जाम लग गया है। हम है ना हरियाणा में और दिल्ली में बैठने का काम करेंगे। सरकार जल्द से जल्द भर्ती नहीं खोलेगी तो नहीं निकलने लग रही। उसके बारे में आपके कह रहा है जी भाई सरकार की नाकामी है सारी ये। अच्छा जी, को निकले है तो मतलब पेपर आउट हो जाए। दोपहर में जो बड़े परेशान हो रहे हैं इनकी सुनवाई सरकार करे। अगर प्रशासन ने फिर भी नहीं सुनी तो आगे क्या कदम होगा जी? ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक प्रशासन नहीं सुनेगा। जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है और जो ये पसीने से नहाता है ये युवा इतिहास बदलता है। नमस्कार, मैं सुमेश राणा, देख रहे हैं संसार क्रांति। फिलहाल इस समय की सीधी तस्वीर आप तो शाम से देखने लग रहे हो और यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन कराया जाने लग रहा है। आप सीधी तस्वीर तो शाम से देखने लग रहे हो, विरोध प्रदर्शन क्यों कराया जाने लग रहा है वह भी आपने बतावांगे। क्योंकि भाई कई साल है जो मतलब भर्ती जो है युवाओं की फौज की भर्ती है उनकी बाट देखने लग रहे हैं लेकिन भर्ती नहीं होने लग रही है। उसका बारा में दिखा भाई, कैमरा में दिखा। का स्टेडियम 4 से 5 महीने हो गए हैं। अच्छा, ठेकेदार कोई भी सुध नहीं ले रहा है। पहला स्टेप ये है, यदि सुविधा नहीं होगी तो रेस ही नहीं लगा पाएंगे और ऊपर से भर्तियां बंद है। हाँ, तो पहला ही कदम आप देख सकते हो। गांव बागनवाड़ा का जो खेल स्टेडियम है वो पिछले 4-5 महीने से कुछ भी उसमें शुरुआत नहीं हुई है। ठेकेदार गायब है और आज हम एसडीएम को ज्ञापन देंगे कि हमारे खेल मैदान को निर्माण जो अधूरा पड़ा है उसको दोबारा से शुरू करवा के पूरा करवाएं। अच्छा, अपने हरियाणा में जितना भर्ती नहीं होने लायक रही है फौजिया की, उसके बारे में क्या कहना चाहो? फौजियों की भर्ती बहुत जरूरी है। जो हमारा रक्षा सबसे बड़ा विषय है देश का। ये जो कह रहे हैं तथा कथित राष्ट्र भगत ये कह रहे हैं कि हम देश बचाएंगे, यदि देश में यदि आप सैनिक भर्ती नहीं करोगे तो बताओ कौन सा फार्मूला है कि आप देश बचाओगे। बिल्कुल, देश की सिक्योरिटी खातिर फौजी तैनात किया जाए। फिलहाल फौजिया की भर्ती नहीं निकलने लग रही है। फिलहाल जो फौजी है वे कम है और जो है वे गुमशुदा होने लग रहे हैं। फिलहाल फौजिया की बहुत ज्यादा कमी है जिससे बाहर देश की सिक्योरिटी ना भी खतरा है, बाहर देश ना खतरा है। क्योंकि बाहर की जो सेफ्टी राखी जा है वो फौजिया के द्वारा राखी जाए। फिलहाल आप देश को प्रदर्शन करने लग रहे हैं। फिलहाल एमडी केडी साहब भी आए थे यहाँ पे, वाइट वगैरह दी थी। फिलहाल प्रदर्शन एमडी केडी साहब चल रहे हैं, खेल के एमडी चल रहे हैं साथ के साथ वीडियो शेयर कर दो भाई। क्योंकि जिस तादाद में जितनी तादाद में यहाँ पे युवा इकट्ठे हो रहे हैं आप देश को कितनी तादाद में, हालांकि लगभग दस दिन पहले अनाउंसमेंट कर दी गई थी अब भाई फलाने दिन हमें इस तरीके का विरोध प्रदर्शन कराएंगे। फिलहाल पूरा जो बाजार है उसके अंदर मार्च निकाला जाएगा और बाद में एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। साथ के साथ वीडियो शेयर कर दो, ठीक दिखा कर दी, वीडियो स्टार्ट कर दी थी सर ने तावड़ा तावड़ा आगन देख ले तू। हाँ तो भाई फिलहाल आप तस्वीर देखने लग रहे मिर्ची देते, फिलहाल आप तस्वीर सीधी देखने लग रहे तो शाम से भीड़ जो है वो लाजवाब बना रखी है। भाई साहब इतने युवा इकट्ठे हो रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। फिलहाल पूरा तो शाम में जाम लग गया है, आप देख सको जाम लग गया है, बिल्कुल रोड जाम सा हो गया है। इतने युवा इकट्ठे हो रहे हैं। फिलहाल भगत सिंह युवा क्लब के भाई ये देखो संदीप पंगाल जो है भाई यहाँ पे फिलहाल व्यवस्था बनाने में लग रहे हैं और जिस तरीका से भाई ये विरोध प्रदर्शन कराया जाने लग रहा है आप सीधी तस्वीर देखने लग रहे हो तो शाम से ले भाई महाराज गांधी भाई सबसे आगे चल रहे हैं। फिलहाल महाराज गांधी के भी युवा काफी चलन दो भाई। फिलहाल भाई सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं अकेल भाई बड़े भाई के कुछ कहना चाहो भाई विरोध भाई साहब भर्ती का डो भर्ती का डा आर्मी भर्ती आनी चाहिए नहीं लकड़ी तो भाई साहब रोड़ा उतराएंगे। अच्छा बिल्कुल भाई, इस तरीके का प्रदर्शन फिर भी किया जा सकता है भाई, भर्ती आनी चाहिए, भर्ती आनी चाहिए भाई। फिलहाल भाई साहब इतनी भीड़ है ठाले भाई ऊपर वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत होने लग रही है क्योंकि भाई भीड़े इतनी है भाई वीडियो थोड़ी कम है मतलब हिलन डुलन लग रही है। लेकिन वीडियो का ध्यान ना देते हुए खबर का ध्यान दो कि भाई कितनी तादाद में युवा जो है रोड पर निकल रहे हैं। कारण के है सिर्फ एक भर्ती नहीं निकाली जाने लग रही है। फिलहाल आगे जाके एक दो भाई तो बातचीत कराएं। चलो तब आगे चल भाई
जी भाई साहब क्या कुछ कहना चाहो, ये प्रदर्शन कर ऐसा है, ये है ना 3 साल से सेना की भर्ती रुकी हुई है और सेना की भर्ती खुलाने के लिए प्रदर्शन है। आज तो एक छोटा सा प्रदर्शन है तो शाम से गाज उठी है। अब इसको है ना हम है ना हरियाणा में और दिल्ली में बैठने का काम करेंगे, सरकार जल्द से जल्द भर्ती नहीं खोलेगी तो। अच्छा जी, अगर नहीं मतलब आगे कोई इसमें एक्शन नहीं लिया गया तो फिलहाल आपके कार्रवाई क्या करोगे? इस पर नहीं किया गया तो हम डिस्ट्रिक्ट पे बड़ा मोर्चा लगाएंगे और यहाँ से फिर है ना पूरे डिस्ट्रिक्ट की कमेटी बना के या पूरे हरियाणा की दिल्ली बैठने का काम करेंगे। उसके साथ हम राजस्थान को लेंगे, यूपी को लेंगे और पंजाब को लेंगे, जितने भी हमारे स्टेट है हम सभी युवा साथी दिल्ली बैठने का काम करेंगे बहुत जल्द। अभी जो मार्च निकाला था लास्ट में कहाँ पे एंड होगा? ये हमें एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और एसडीएम को ज्ञापन देंगे, उसको ये बताया जाएगा हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बिल्कुल धन्यवाद जी। तो फिलहाल आप देख सको भाई, एक युवा जो है वो आज का दिन इकट्ठे हो रहे हैं, फौज की कमी है लेकिन ये सरकार समझ नहीं ला रही है। भाई अपनी जो सिक्योरिटी है वह मजबूत नहीं है, फिलहाल वो कमजोर होती जा रही है क्योंकि फौजिया की कमी है, लेकिन सरकार फिर भी मतलब भाई रोजगार नहीं देने लग रही है, भर्ती नहीं निकालने लग रही है और जो निकाली थी उनका रिजल्ट नहीं निकाला गया है। फिलहाल इस समय की तस्वीर आप तो शाम से देखने लग रहे हो और जो आप देख सको आगे सुरेंद्र चौक आ गया है। फिलहाल एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रपति के नाम, एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। सारी तस्वीर दिखाएंगे, गल गल वीडियो ने शेयर कर दो आप, सीधी तस्वीर जो है वो तो शाम से देखने लग रहे हो। फिलहाल एमबीकेटी जो आप देख सको हो, भाई जी क्या कुछ कहना चाहो आप? भाई ये कहना चाहूंगा ये तप्ती दोपहरी में जो बाढ़ परेशान हो रहे हैं इनकी सुनवाई सरकार करे। अच्छा जी अभी फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई करी जाएगी? अभी ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और कार्रवाई तो शुरू हो गई है, जो युवा सड़कों पे आए हैं। अगर प्रशासन ने फिर भी नहीं सुनी तो आगे क्या कदम होगा जी? ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक प्रशासन नहीं सुनेगा, जब तक चलता रहेगा। धन्यवाद। फिलहाल वीडियो ने शेयर कर दो भाई। फिलहाल एमडीकेडी जो अपने गायककार है, हरियाणा के प्रसिद्ध गायककार है, वो फिलहाल इस मोर्चा के अंदर है। आपने भाई साहब भर्तियां ना निकलने के कारण विरोध प्रदर्शन करने जाने लगा, क्या राय है आपकी? ऐसा है जी, भर्तियां ना निकलने के कारण बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार हो जाएंगे और वो खून करने तक भी तैयार हो जाएंगे लोगों के, और इतना बुरा हाल हो जाएगा इस देश में कि जिसकी कोई अंत नहीं है। और इस भर्तियों की वजह से युवा के छोड़ो हम जैसे दुकानदार भी बेरोजगार हो रहे हैं, क्योंकि हम भी एक ऑनलाइन फार्मों का काम करते हैं और ये युवा जब तक भर्तियां नहीं निकलेंगे तो हमारे भी बिजनेस बंद है। बिल्कुल, और इससे हर आदमी परेशान है। अच्छा, एक ये है कि भाई सरकार ये भी नहीं कहती कि भाई हम देवाए को नहीं, मतलब दिलासा दे रहा है खैर काम भी नहीं करती। ये दिलासा ही तो है जी, ये एक ऐसी मीठी गोली दे रखी है सरकार ने जो 4-5 साल तो लोगों को हो गए। अच्छा। और अब आने वाले टाइम में सरकार इसका नतीजा भी देखेगी बहुत जल्द। फिलहाल भाई फौज की भर्ती ना निकलने का कारण है एक आम आदमी जो कि एक आम दुकानदार है उसका भी नुकसान है, क्योंकि जय फौजी भाई जितने भी छात्र हैं अगर वे फार्म भरवाने खातर नहीं आओगे तो इनका बिजनेस किस तरह चलेगा? फिलहाल जो फोटो स्टेट की दुकान है या फिर फार्म भरने की दुकान है उनका भी बिजनेस ठप है। अंकल जी नमस्कार, भर्ती नहीं निकलने लग रही उसके बारे में आपकी कह रहे हैं जी? भाई सरकार की नाकामी है सारी ये। अच्छा जी, और कोई लिखना है तो मतलब पेपर ली आउट हो जाए, समझा रहे ये सरकार सारी मिली वक्त तक दिलासा दे रखा सरकार ने, कोई काट नहीं काट नहीं काट नहीं लिंक काट नहीं रही काट करी भाई, ये सरकार की कमी सरकार है। अच्छा जी, सरकार मतलब काम करके राजी नहीं है? नहीं बिल्कुल। आगे का क्या रुझान है जी? आगे सरकार नहीं आएगी ये। अच्छा जी, ये सरकार नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। फिलहाल भाई एक और रिव्यू मिला जिसमें ये बताया गया अगर भाई आगे सरकार नहीं आओगी तो भाई एक आम दुकानदार जो है वो परेशान है, ये युवा हैं वे परेशान है, आंगनबाड़ी वर्कर हैं वे परेशान हैं, पीटीआई हैं वे परेशान हैं, जो अपंग हैं मतलब जो जिनके हैंडीकैप्ड लोग हैं वे परेशान हैं, धरना धरनिया हर परेशान है, किसान परेशान है, फौजी परेशान है, सब कुछ परेशान हो रहा है। फिलहाल आज प्रदर्शन आप देख सको भाई, यू मार्केट के अंदर तो शाम के मेन मार्केट के अंदर का प्रदर्शन निकाला जाने लग रहा है। साथ के साथ खबर ने शेयर कर दो, वीडियो ने शेयर कर दो तो शाम से सीधी तस्वीर देखने लग रहे हो आप संसार क्रांति पर, साथ के साथ शेयर कर दो। ये सब बच्चों की पीड़ा है।
अच्छे पद पे आप बैठे हैं और आपने भी जब शपथ भी ली होगी, मैं अपने कार्य का निर्वहन अच्छे से करूंगा और अपने एरिए का इलाके का। आपने भी सोचा होगा कि जहाँ पे आप बैठे हो उन बच्चों की आवाज आप भी बढ़ने की कोशिश करना। आपसे हाथ जोड़ के अपील है, इसको सिर्फ इन बच्चों की पीड़ा ना समझना, अपने घर परिवारों की पीड़ा समझना। जो बच्चे सेना की भर्ती चालू करे, क्या कहना चाहोगे? आपको सुन जाएगा इसमें। इसमें खेल मैदान पिछले 5 महीनों से ठेकेदार ने अधूरा छोड़ा हुआ है, बंद पड़ा है, बिल्कुल बंद पड़ा है। एक ईंट दो की तो पड़ी है। सर सुन रहे हैं, दर्शक सुन रहे हैं, सर बताइए। भगवान को भी और धन्यवाद के बदले में इन बच्चों के काम आना, इन बच्चों की आवाज बढ़ने में। मैं तो हर महकमे से अपील करता हूँ, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हैं, कि आपको परमात्मा ने अच्छी किस्मत दी है, आपने मेहनत की, पढ़ाई की, आप डिजर्व करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज अपील करता हूँ कि अपनी कुर्सी पाके, अपनी नौकरी पाके, अपना ओहदा पाके, बाकी लोगों की पीड़ा कभी मत भूलना। ये जो बच्चे सड़कों पर उतरे हैं, जो पसीना आ रहा है, और एक चीज कह दो कि जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, और जो ये पसीने से नहाता है ये युवा इतिहास बदलता है। थैंक यू। भाई आज मैं प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी और भी जो सरकारी असला सामान अधिकारी जो भी है उनने एक बात कहना चाहूं कि आज हरियाणा में बाबा मूंगी पा की धरती पर तो एक चिंगारी उठी है और यो जलजला ना बन जा कदे इस बड़ी बड़ी तारी झूठी सल्तनत ने तराशा ही ना कर दे। तो एसडीएम साहब आज मुख्यमंत्री ने इस बात तो बिल्कुल चेता दो कि ये अधिकार ये कोई हिस्सेदारी सरकार में को नहीं मांगते, ये रोजगार मांगे हैं जो तुमने बंद कर दिए। और खट्टर साहब एकले प्रवचन दिए काम को नहीं चल रहा, काम चल रहेगा धरती पर उतर की और इस युवा शक्ति का खातर की भी काम करना पड़ेगा। आज जो ये लो लगी है ये लो किसे सैलाब का जलजले का रूप ना ले ले। धन्यवाद भाई संदीप, बहुत धन्यवाद करते रहते हैं। धन्यवाद भाई। सारा पैसा कहाँ है? गाड़ी में क्या लेना? खेले ले जी सारा पैसा भी। जाओ भाई। मनीष है। चलो। गेट पे। धन्यवाद भाई सब प्रोग्राम। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई सारे भाई का। भाई कल आने। गेटी भाई। चलो भाई। क्या आश्वासन दिया भाई? एसडीएम साहब से हमने अपील की है कि जो बच्चों की मांग है इसको आगे तक भेजने का काम करें और आप खुद भी इस आवाज में शामिल हो ताकि इन बच्चों को और मजबूती मिले। उसकी तरफ से आश्वासन यही है कि वो आवाज उठाएंगे, बाकी देखते हैं।